और अभी हम जा रहे हैं चूड़ा सारी मनी ऐसे करती है ये भाई। ओह शिट यार गोलू बहुत ही गड़बड़ हो गई। जैसे दीवार पे पेंट नहीं होता। मुझे तो अभी 2 घंटे लगेंगे। भाभी जी पता क्यों लग रहे हो ऐसे भी सुंदर लग रहा है यार। मेकअप भी नहीं करना। मेरा मेकअप खराब कर दिया बेटा। तुम आगे बढ़ कितने लंबे हो गए। स्टॉल पे जाके गिफ्ट का साइज थोड़ा ज्यादा छोटा ले लिया हमने। यार पायल सत्तर तो है बड़ी तेज। शादी में एंट्री ना बिना गिफ्ट की अच्छी नहीं लगती। जो जो रह गए सब वापस आ गए। शादी में ना हमारे कोई आगे है ना हमारे कोई पीछे है। बारात आ चुकी है तो गाइस बग्गी पे चढ़ गई थी। जूस नहीं पायल मैंने जिंदगी के अंदर ये चीज नहीं देखी। पंजाबी राजमा बोलो इतना तो भर लिया। चल देखे लग रहा है मैंने कहा होगी। हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब। होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है शादी का दिन और मैं और पायल आ चुके हैं हल्दी से और अभी हम जा रहे हैं चूड़ा सेरेमनी। चूड़ा सेरेमनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब लड़की को चूड़ा डलता है ना तो क्या लुक आती है। मतलब की ना चेहरे पे चांद चांद लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस निकाल दी है मेरी और पायल की। तो ये है पायल का सूट जो पायल ऑलरेडी पहन चुकी है एक बार। और पायल के साथ साथ ना ग्रीन कलर का जो ड्रेस है ना मेरे लिए आई थी। मैंने पहनी नहीं थी आज तक। मैंने सोचा था कि स्पेशल ओकेजन में पहनूंगी। तो ये है मेरा शर्ट तो मैं पहन रही हूँ ये वाला सूट। पायल पहन रही है रेड वाला सूट। तो बस अभी फटाफट ना हम हो रहे हैं रेडी। हेड वॉश बाहर से करवा लिया। मेकअप करते हैं। मेकअप तो ऑलरेडी डन है। बस मतलब थोड़ा सा सेट करते हैं अपने आप को निकलते हैं। बाई करके दीदी खादी कैसे करती है ये देखो ऐसे करती है ये बाई ऐसे करके इसका स्टाइल नहीं है ठीक है। कैपिंग करी हूँ कैपिंग तो कर दे प्लीज तो कर दे। गोलू के लिए निकाल दिए मैंने ग्रीन कलर की झुमकी इसके साथ और मैंने अपने निकाली है रेड कलर की। दोनों की सेम झुमकी है सेम सूट है सिर्फ कलर डिफरेंस है। उसका स्टाइल अलग है मेरा स्टाइल अलग है। तो गाइज हमारी चूड़ा सेरेमनी मिस हो गई है उन लोगों की हो गई है। वैसे मैंने अनन्या को फोन किया था। मैंने कहा अनन्या आधे घंटे पहले बता देना और उसका शायद फोन अंदर पड़ा हुआ था उसे मेरे कॉल पता नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है इसलिए भी मिस हो गई क्योंकि पहले हल्दी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था ना तो चूड़ा सेरेमनी बहुत जल्दी जल्दी हुई है। और क्योंकि भवदीप को आगे देखो मेकअप करने के लिए जानते हो मोहाली गई है फिर वहां से उसको 6-7 बजे तक रेडी भी होना है। अभी तो लड़की का फोटोशूट होता है। बहुत तो अभी हमने क्या सोचा है कि हम भी जाते हैं। ओह शिट यार गोलू ज्वेलरी मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है। तो काम करे ज्वेलरी ले पहले। ज्वेलरी तो देखनी पड़ेगी मुझे मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है। चल चलते हैं। भैया एक काम करना यहाँ से अंदर का कट आएगा ना वीआईपी का वहाँ ले लेना। यार अभी हम इतना रेडी हो गए हैं। लैशेस भी लगाए सुबह हम ऐसे बांदर जैसे बन के गए थे और अभी हमने लैशेस भी बन के थोड़ा लैशेस लगा लेते हैं। लैशेस से ही पूरा ग्रेस आता है पूरा लुक आता है और अब वो मिस ही हो गया हमारा। चल कोई बात नहीं शाम को ना भवदीप के साथ जल्दी से फोटोशूट वीडियोस बनाना फोटोज बनाना बहुत सारी फोटोज वीडियोस बनाएंगे और ना वाली वीडियो भी बनाएंगे शादी वाली इसको जिसकी शादी पर जाना बस ये वाली आप समझ गए होंगे वो वाली वीडियो भी बनानी है। तो भाई मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। गोलू के पास ज्वेलरी है एडी की और जो हमारा लहंगा उस पर एडी ही चलेगा। बैंगल्स तो है हमारे पास गोलू के पास भी एडी है मेरे पास भी एडी है पर ज्वेलरी नहीं है तो ज्वेलरी लेनी है इसलिए हम आए वीआईपी मार्केट। तो गाइस मैं आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे क्योंकि मुझे एडी का पूरा सेट चाहिए। है एडी का सेट कलर नहीं चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा बोल रही दिखी रहे लुक ही नहीं आएगी। ये देख गला पूरा वो है ना तेरे ऐसी पतली स्ट्रैप है पतली स्ट्रैप बिल्कुल बिल्कुल नेक तो बिल्कुल दिखेगी। एक काम करो तेरे लहंगे में पिंक कलर पिंक वाला देख ले पीछे पिंक पड़े हैं। हाँ यही कलर है तेरे लहंगे का एक लाइट वैसे कंट्रास्ट में जाएगा। हाँ ये लगा के देखिए अच्छा लगेगा यही जाएगा। तो गाइस मैंने ना ये वाला नेक पीस जो है ये सिलेक्ट किया है बहुत ही ज्यादा सुंदर अच्छा लग रहा है ब्यूटीफुल। ये मेरे किसी और आउटफिट पे भी मुझे काम आ जाएगा। ये लिया अब घर जाते ना रेडी होते पहले मैं घर जाके ना थोड़ी देर कुछ खाऊंगी फिर दवाई लूंगी क्योंकि मेरा ना अभी हेडेक होता है बहुत तेज का। मेरा हेडेक होता है ना कुछ मन नहीं करता काम वाम करने का इसलिए मेरा फिट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी और पायल की ट्रांजिशन वीडियो शूट हो गई है। मैंने एक और बड़ी प्यारी सी वीडियो शूट करी है तूबा के साथ और तूबा उसके अंदर होगी मैं तूबा से वीडियो बनाऊंगी। साथ ही साथ ना मैंने अपने लिए और पायल के लिए ना जिपर वाला नाइट सूट निकाल दिया क्योंकि हमारा जो हेयर स्टाइल है ना वो खराब हो जाएगा तो दोनों के लिए सेम निकाला है रेड और ब्लैक कलर का। तो गाइस यार एक चीज तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। पायल का तो हम सेट ले आए थे मेरे वाले सेट का ना ऑलरेडी पायल की शादी में रखा हुआ था तो मैंने कहा क्यों पैसे वेस्ट करने में एक ही बार मैंने पहना है नहीं एक बार मैंने पहना शायद एक बार पायल ने पहना तीसरी बार पहन रहे तो मेरे वाले सेट की ना वो नहीं मिल रही मामसी का नहीं मिल रहा तो मैं तब तक के काम करूंगी मेकअप पहले मैं करवा लूंगी हेयर स्टाइल पायल करवा लेगी ताकि फिर ना वैसा वर्षा कर लेंगे दोनों का साथ साथ काम हो जाएगा। तो अभी कड़े उतार देती हूँ और दीपक से पूछती हूँ कि मेरी ज्वेलरी के अंदर क्या क्या रह गया। दीपक सुन क्या क्या रह गया। टीका तो
तो ऐसे यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग हो रही है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था थ्रेडिंग करवाने का, तो नैनो तो करवा रखी है बट एक्स्ट्रा जो बाल है ना वो रिमूव कराना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ बैठ चुकी, मैंने ब्लाउज पहन लिया अपना और हेयर स्टाइल करवा भी पहले क्योंकि गोलू का हो रहा मेकअप, जितनी देर में गोलू का मेकअप होगा उतनी देर में मेरा हेयर स्टाइल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा लेंस लग चुका है और ये कलर ब्राउन है, हेजल ब्राउन है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है अलग कलर का लेंस, क्योंकि मैं मोस्टली ग्रीन लगाती हूँ, कभी ब्लू भी लगाती हूँ, ग्रे भी लगाती हूँ, तो ये वाला लेंस अभी मेकअप के बाद पता चलेगा बिफोर ये लुक है, आफ्टर लुक थोड़ी देर में दिखेगी। तो गाइस मेरे बाल जो है ना बहुत ज्यादा पतले हैं इसलिए मेरे बालों को मोटा किया जा रहा है, पहले बालों को क्रिंक कर रहे हैं ताकि थोड़े से बेबी दिखे, उसके बाद होगा हेयर स्टाइल। स्पेशली मेरे नोज पे ना ऑयल कंट्रोल लगाया जा रहा है क्योंकि जो मेरा टी जोन है ना वो ऑयली है, बाकी स्किन ड्राई है। तो भाई काफी दिन से ना आईब्रो कराने का बिल्कुल टाइम नहीं हुआ था, तो अभी मेकअप आर्टिस्ट ही कह रही है बहुत ज्यादा आपके आईज के नीचे बाल है इसे क्लीन कर देती हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर, नहीं तो मेकअप का गेटअप नहीं आएगा। जैसे दीवार पे पेंट नहीं होता, मुझ पे पेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझ पे पेंट हो रहा है। तो भाई आज कमाल का मेकअप होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम बाद बोलते ना बहुत टाइम बाद इतना डीप वाला मेकअप कर रहे हैं, तो बस फाइनल लुक के लिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनल रेडी हूँ, जादू शादी में 2 घंटे लगेंगे, मुझे तो अभी 2 घंटे लगेंगे। तो भाई सबसे ज्यादा पेशेंस वाली ना लड़कियां होती हैं, मेकअप करने वाली में भी बहुत पेशेंस होता है जो इतनी देर तक मेकअप करती हैं, और करवाने वाली में उससे ज्यादा होता है क्योंकि करने वाले के तो चलो हाथ चल रहे होते हैं, करवाने वाली बैठी रहती है कितना फोन चला है, नींद और आ रही होती है, मुझे नींद आ रही है। तो केशव कह रहा है भाभी जी पता कीवे लग रहे हो, मैंने कहा मैंने पता है मैं कीवे लग रही हूँ, ये बिफोर लुक है, टाइम लगता है। देखो प्रोडक्ट सारे ऐसे लग रहे हैं अभी ऊपर है, तो भी मर्ज होंगे जाएंगे, सबका अपनी अपनी टेक्निक होती है मेकअप करने की और अपने मेकअप आर्टिस्ट पे फेथ होना चाहिए कि तुम्हारा जो एंड लुक है बहुत अच्छा आएगा। मेरा फेस लॉक नहीं खुल रहा, मेरे को पासवर्ड डालना पड़ रहा है क्योंकि शायद ना हो सकता है ना फेस से बहुत सारा मेकअप हो उसकी वजह से। मैं देखती हूँ मैंने क्या क्या मंगा रखा है, मैंने बहुत कुछ मंगाया। तो गाइस ऑलमोस्ट मेकअप हो गया है, बस अभी लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और बस मेकअप होने वाला है कंप्लीट, और ये है मेरी आईज ग्लिटरी ग्लिटरी क्योंकि मेरे लैंग्वेज इसी कलर का ग्रीन। तो गाइस मैं बाल करते करते मुझे भूख लग गई थी, मैंने खाना मंगाया, अच्छा बना। अभी मैं ड्रामा नहीं लग रही हूँ क्योंकि मेरा मेकअप नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं इग्नोर कर देना, छोड़ दे बात देख ले। तो गाइस यहाँ पे मैंने मुंह धो लिया अपना, अब मैं अपने पानी को सुखाऊंगी, मजाक कर रही हूँ, ये है मेकअप फिक्स है ताकि मेरा ग्लॉसी लगे, जितनी देर में उसका मेकअप हो उतनी देर में मेरा हेयर स्टाइल भी हो गया। अरे वाह इतनी मोटी चोटी, इतने तो मेरे बाल भी नहीं है जितनी मोटी चोटी हो गए, पाइप नहीं नकली बाल लगे। जब तेरा दिल करे ना कुछ खाने का तो सिर्फ हवा खाया कर, ये खाना तो तुझे लगता नहीं है, खाना वेस्ट करता है तू खा के। जो कम पापी जी। तो गाइस मेरा हेयर स्टाइल हो गया है देखिए, अभी इसमें सिर्फ फ्लावर्स रखने बाकी हैं, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल मुझे दिख नहीं रहा है पर मुझे इतना पता है अच्छा हुआ होगा, तो मैं अभी अपने फोन में वीडियो बनवाती हूँ और देखती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरा हेयर स्टाइल डिसाइड हो रहा है, तो मैंने लास्ट टाइम लोरी की फंक्शन में चोटी की थी और सच में इतनी सुंदर लुक आ रही थी ना, बहुत सुंदर आती, लहंगा पहना हुआ था, मैं इनको वही वाली चोटी दिखा रही हूँ कि आप ऐसे ही चोटी कर देना, क्योंकि क्या होता है ना हेयर स्टाइल एक बार कराया हुआ है ना तो सूट कर रहा था, चाहे देखो फ्रंट चेंज करवाने में देख लो आप जैसे, क्योंकि मेरे ना मेरे को लग रहा है टीका नहीं है, मांग टीका नहीं है, सेंटर भी रखवा लेना थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। हाँ हाँ सेंटर ही रखना देखो। ठीक है मैं फिर अपर पहन लेती हूँ। गाइस हेयर स्टाइल होने के बाद मेरा मेकअप भी ऐसे भी सुंदर लग रहा है यार, सिर्फ लिपस्टिक लगा के जा सकती हूँ मैं, देखो अच्छी लग रही हूँ ना। हाँ जी पहले ज्यादा भूतनी लग रही थी, अब अच्छी लग रही हूँ। तो गाइस सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है मेरे बालों में चोटी को मर्ज करना, मैच करना, क्योंकि मेरे बाल इस बार इतने छोटे इतने शॉर्ट करवा लिए मैंने बाल, अभी मैं बाल बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगी, मेरे बाल काफी ज्यादा डैमेज हो गए हैं तो कलर ये सब ले लेके ना, तो मैंने सोचा है काम करूंगी अपने बालों को पहले ठीक करती हूँ उसके बाद कोई ट्रीटमेंट कराऊंगी। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप होना स्टार्ट हो गया, और मेकअप आर्टिस्ट ना कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी लड़की को कैसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे भाई तुबू आई है मेकअप कराने के लिए, मेकअप भी नहीं करना आपको समझाया था ना, नेचुरल बेबी बनता है, मम्मा का मेकअप देख डर रही है सबको देख के ना, इससे देख रही है उधर तूबा, मुझे लगता है पहचान नहीं है, है? एक बार तूबा एक मैं देखती हूँ तुबू, एक बार लिखो तुबू को, अगर मेरे पास आएगी ना तो मुझे पहचान रही है, एक बार छोड़ना जरा आज मैं इसका तूबा का टेस्ट कर रही हूँ। पायल पहचान लिया, तूबा को मैंने ले ली पहचान लिया, चल पायल देखते पायल को पहचानते कि नहीं। तुबू आ जाओ, तू ऐसे भी तेरे पास नहीं आती है मेरे पास ज्यादा आता है, ज्यादा है मेरा बेटा ये कितने देखो कितना क्यूट स्माइल कर रही है, हाय से हाय आई एम तुबू ची। हाँ इसको डिम, हमारे तीनों बच्चों को डिंपल पड़ते हैं, अयान को ऊपर पड़ते हैं, जैद को ये वाले गाल में पड़ते हैं, और ये वाले गाल पे सुबह को पड़ते हैं, रो रही है देखो ऐसे भाग भाग के आएगी मेरे पास कि मेरे को क्यों छोड़ा, निकी कह रही मैं तेरे को नीचे ले जाई थी, मेरा मेकअप खराब कर दिया बेटा, अभी तो मेरा मेकअप बना भी नहीं है, पूला पूला नहीं बना तू, लो अपने आप पे आप देखो कैसे मेकअप होता है, आप पे आप देखो, आप करोगे मेकअप मम्मा का, कहा था ना हम लंबे कर देंगे, कौन से शैम्पू लगाए, मेरी गुड़िया के बाल लंबे हो गए,
हमने कहा था ना हमारी लड़की के बाल लंबे होंगे, शैम्पू जानना है कि मतलब किस शैम्पू से बाल तुबा के बाल इतने लंबे हुए हैं, तो वो शैम्पू पाले कह रही है मत बताओ किसी को ठीक है ठीक है तुबा तीबो ठीक है ये ले। तो गाइस देखो काम के साथ साथ ना मस्ती मजाक बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे घर में सबसे ज्यादा हसमुख मैं ही हूँ, है ना सही नहीं बोला, सबसे ज्यादा हसमुख मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं होती उस ब्लॉग में जान नहीं आती बिल्कुल। तो मैं ना अभी अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये पूछ रही थी कि ऐसा हो सकता है ये मुंह उतार के रख ले जब कहीं जाना हो वापस चिपका ले, अरे काश ऐसा हो सकता होता। अगर ऐसा होता पर सारे मेकअप आर्टिस्ट एक ही बार मेकअप करते फिर तो सब एक क्लाइंट का है, बाकी तो सारे हाँ ये तो मैंने सोचा है, ये तो सोचा नहीं, ज्यादा डीप नहीं जाती मैं आगे की सोचती हूँ बस, ज्यादा अंदर की नहीं। तो गाइस मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और अरमान जी को सच में इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, उन्होंने जैसे ही अंदर आया उन्होंने कहा क्या बात है, तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती पहले अपनी। तो कल रात को मैं गाना रिकॉर्ड करके आया था, तो मैं अभी उठा हूँ, रात को लेट हो गए थे, और पायल को पता नहीं कैसा लगा गाना, गाने बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त है, एक इन्होंने होली पे गाना गाया और एक और गाना है जो सच में बहुत ज्यादा ऑसम है, जब गाना आएगा आपको पता लग जाएगा, मैंने अपनी तारीफ करने के लिए बोला था इनका टीम। बहुत सुंदर लग रही है पायल, नजर ना लगे पायल को, अंदर घुसते ना जिसने मेकअप किया बहुत सुंदर किया, वैसे है भी पायल सुंदर मेकअप। तो गाइस आपने मेरा मेकअप तो देख ही लिया था, तो अभी मैं गोलू को भी दिखा देती हूँ। टन टन घूमना सही मार था, तो ये है मेरा गोलू का पूरा लुक। तो गाइस मैं स्टाइल इसलिए मारूं क्योंकि मेरे को स्टाइल मारना बनता है, मेरे बालों के अंदर इतनी प्यारी ब्रेड हुई है, मुझे बड़ा मजेदार लगा मेकअप भी, इवन द हमारे जो ड्रेस है वो भी, और हनुमान जी ने आते बोला सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे हो, तो बस ये सुन के ना दिल बाग बाग हो गया, चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई, ब्लश आ गई। तो गाइस निकल गए हैं घर से वेडिंग के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, गिफ्ट देंगे अपनी फ्रेंड को, और मैंने ना वो वाला साउंड निकाला हुआ है जो सब लड़कियां बनाती है जिसकी शादी होती है, अब शादी इस शादी को मत करना, ये वाला क्या करना शादी ये बर्बादी पहले भी तो भाग जा तू वाला। तो गाइस बस अपने हमारे घर से इस तरफ है, हम रोज उस तरफ जा रहे थे पर आज की लोकेशन इस तरफ है तो हमें ये इजी पड़ गया, मतलब लोकेशन दोनों सेम है, वहाँ पे भी 8 किलोमीटर है और यहाँ पे भी 8 किलोमीटर है, मतलब हमारा घर मिड में है। सच में यार कमाल का मेकअप हुआ है, हेयर स्टाइल भी बड़ा सुंदर लग रहा था, जब ये हो रहा था ना तो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे हो, कि होता ही ना डर लगता है ना कि यार पता नहीं अच्छे लगे ना लगे, बट लास्ट में मैंने अपना लिप शेड खुद लगाया क्योंकि ना जब तक खुद से ना लगाओ ना तब तक संतुष्टि नहीं मिलती, अब देख पाए हमारे कोई और नहीं बैठ सकता था, मुझे नीचे सोसाइटी में एक आंटी मिली अभी, ठीक है तो उनसे बात बात हुई, नमस्ते किया, आंटी कह रही कहाँ जा रहे, आंटी शादी में बच्चों को लेके नहीं जा रहे, मैंने कहा बच्चों को कैसे लेके जाएंगे, बच्चे कहाँ बैठते पहले ना, वैसे भी ठंड है, हमने अपने लिए शॉल लिए, बच्चों को ठंड लग जाती है, हमने अपने लिए शॉल लेके ठंड लग जाएगी वहाँ में। तो पायल एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है निहारिका का, कहते हैं घर के बच्चों में से 3 लड़का हो और 1 लड़की हो तो वो घर बहुत लकी हो जाता है और वो घर में बहुत तरक्की होती है, तो हमारी तुबा तरक्की लाएगी, तुझे पता है मेरे को नीचे केशव खाना खाने को बोल रहे थे रोटी खा लो, मैंने क्यों नहीं खाई, शादी में जाके खाऊंगी, शादी का खाना स्टॉल पे जाके टुट 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 टुट, मैंने तो खाई है, मैंने नहीं खाई, टुट टुट खाऊंगी, टुट टुट सब जगह से थोड़ा थोड़ा टुट 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 सब जगह से एकदम छोटा छोटा हर एक स्टॉल पे जाऊंगी एक एक टुकड़ा तुम्हें खाई, साथ चलेंगे खाना खाने सब खा पी के आएंगे। तो गाइज उस साइड 2 दिन से जा रहे थे ना इतना ट्रैफिक नहीं मिला और इस साइड इतना ट्रैफिक मिल रहा है, मतलब अभी दिखा देती हूँ कितना टाइम बचा है, 8 बजने वाले भाई 8 बजने वाले हैं और है? पूरी रेड है अभी, यहाँ से 10 किलोमीटर भी दिखा रहा है, 3 किलोमीटर दिखा रहा है, मैंने कोई लोकेशन गलत लगा ली क्या, तूने क्या लगाया हुआ है भाई, देखती हुई मुन गाइस मैंने लोकेशन गलत लगा ली, पायल एक काम करेंगे हम ना लिप सिंह जो याद करें ना, अभी जो लिप सिंह याद नहीं आएगी ना बीच में तो बीच में तुम्हारी फ्रेंड होगी तो लिप सिंह आएगी ना ऐसे बोलूंगी अपने मुंह के पास में ताकि लिप सिंह मैच हो जाए, ठीक है उसके तरह मुंह घुमा लियो, ठीक है ऐसे लगेगा शक ही नहीं होगा कि हमको लिप सिंह आगे, पर ये सबने जो सुन लिया वो कोई बात नहीं, ठीक है आप लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट मत करना ऐसे कि तुम्हें नहीं आती थी, हमें आती है। भैया कितना समय रहेगा पहुंचने में, समय है 7 मिनट और बचे हैं, मैं किसी से बात नहीं करूँ चक्कर खाके मेरे सर में दर्द हो रहा है, भूखी में रह गई दोपहर को खाना नहीं खाया, मैं जाती पहले शादी में कुछ खाऊंगी स्टॉलों पे, गाइस इस गाड़ी में रखे थे गिफ्ट आ ही नहीं पाए, पर अगर वो गिफ्ट होते तो हम नहीं होते इस गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में वो गिफ्ट भिजवाया और हम इसमें आए, गिफ्ट का साइज थोड़ा ज्यादा छोटा ले लिया हमने, यार पायल सब दर्द हो रहा है।
रही थी इसको। सर दर्द पता है क्यों हो रहा है? ये जो हमने हेयर स्टाइल बनाया ना, ऐसे हिल भी नहीं पा रही थी, मैं ऐसे ऐसे भी नहीं कर पा रही। और ये हेयर स्टाइल में इतना स्प्रे है ना गाइस, इतना स्प्रे है। अगर सोचो हम लावा में, कितनी प्यारी मंडी है, बोलो यहाँ सब्जी की, देखो लेने चले, फ्रूट्स भी कितने अच्छे हैं यहाँ करेंगे। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, अगर हमने हेयर स्टाइल खोल दिया लावा से पहले तो हम जितनी सुंदरी बन रखे ना हम उतनी चुड़ैल बन जाएंगे। एक काम करेंगे हम ना, हमने ऐसे बैठ के सो जाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। नहीं ऐसे कर लेंगे ना, देख इधर अपनी सेट कर लेंगे, ऐसे करके सो जाएंगे, देख एक सो सकते हैं ऐसे, ठीक है सो जाएंगे। तो गाइस हम वेन्यू पे पहुंच गए हैं, सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू है, बहुत प्यारी वेडिंग है और ना ठंड बहुत ज्यादा है, ओपन वेडिंग है पर हम बिल्कुल भी ना शो नहीं करेंगे। क्या हमें ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, जब हमें ऐसा लगेगा ना कि हमें ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, शो ले आएंगे। तो गाइस शादी में एंट्री ना बिना गिफ्ट की अच्छी नहीं लगती, हमने एंट्री कर ली थी, हम वापस गिफ्ट लेने गए थे, गिफ्ट दे देते हैं। बड़ी बड़ी ने पकड़ा है बड़ा गिफ्ट और छोटी ने पकड़ा है छोटा भी। तो गाइस गिफ्ट तो दे चुके हैं आंटी आंटी अंकल को, तो आप अंकल ने खुद ही बोला लोग कुछ, मैंने बोला ठीक है अंकल जी, जिससे जीवा जीवी बोलो तो असी चलिए कुछ खा लो। आयल में नजर पड़ गई है, देख ले चल चला सीधा निशाना भाई। सर दर्द करने से अच्छा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे शादी को एंजॉय। कहाँ से शुरुआत करें? पापड़ी चलिए टिक्की पीछे दुल्हन आ जाएगी, फिर वहाँ पे खाने का टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे, ये खा लिया कुछ और पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट कॉल, मेरे पेट नहीं भरा, मेरे को लगा टॉफी खाई मैंने, मुझे लग रहा मैंने पानी पिया। तब तक टिक्की बन रही है ना, और बन गई टिक्की, बस गोलगप्पे खा के आई। कैसी बात कर दी पायल, पायल भैया कह रहे टिक्की, मैंने बस गोलगप्पे खा के आई, कैसी बात कर दी आपने। रेडी रखो आप सामान, पानी कौन कौन सा है? पानी है जीरा, गोवा 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 शाम में कुछ खट्टा मीठा, गोवा वाला नहीं थी ना, खट्टा मीठा और हींग, दो गोलगप्पे खिला दो बढ़िया से। पहला गोलगप्पा खुश मामी जी से मिल, अरे मामी जी से तो मिल ही नहीं आई मजा यार, एक में मामी जी को, मामी जी से पहले एक गोलगप्पा खा ले फिर मामी जी के पास चलेंगे, तेरा जी रह जाएगा ही। बस एक में फुल हो गया मेरा। तूने खाना भैया थोड़ा ये हींग वाला पानी ये पिला ना, सबको बता दे मैंने पूरी शादी में क्या क्या खाया है, और क्या पता चल जाए। मैं तो ये खा रही हूँ, कोई अच्छा लगा मुझे ना, ऐसे लोग बहुत गंदे लगते हैं, जो कोई खा रहा होता ना उसकी उनकी वीडियो या फोटो निकालते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो जरूरी है ना, पता चलना चाहिए मुंह चलते हुए कितना गंदा लगता है। ये पूरी शादी में सबको बताएगा हमने क्या खाया है। हाँ पूरी हर चीज, मैं तो एक बाइट दीजिए ना, दो तीन चुटकी खाए एक बाइट लूंगी, तो जो हिसाब का हिसाब है। वाह भैया ये बट बढ़िया करा, एक इडली एक बड़ा सब डाल दिया, दियो जरा एक को। कैरी थोड़ी है, क्यों तूने थोड़ी मांगा था, मैंने मांगा तो मैं तो डोसा मांगा था, वो तो दी कह रही थी कि डोसा दे दो, देखती हूँ कैसा, मैंने कहा जैसा डोसा होता वैसे ही है, कह रही इन्होंने प्यार से बनाया तो और भी अच्छा होगा, तो मैं खाती हूँ। भाभी जी टिक्की सारी खा गई भाभी, पता है पूरी टिक्की खा गई, पूरी साफ करी प्लेट। कहती लड़की वालों के घर का मैं पैसा खराब नहीं होना चाहती, तो जो मैंने लिया वो मुझे पूरा खाना पड़ेगा। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि कुछ भी ले और फेंक दूँ, नहीं गाड़ी में गिरे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है, थोड़ा तो कर रही हूँ सबको, थोड़ा थोड़ा तो है ही, तो मेरा दिख रहा है बाकी लोग खा रहे हैं। बाकी लोगों का हमसे क्या है, तुम खा लो हम खाएंगे, मेरे तो पेट भर गया तू खा लो बस। हाँ क्यों 10-15 मिनट में फिर खा लूंगी। हाँ मैं भी तब खाती हूँ, काम तो घूम के खाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर आकर ना जो जो रह गया ना पिज्जा रह गया ये सब जो जो रह गया वो सब वापस खाएंगे। तो अभी चलते हैं, चल चलते बैठ के आ जाओ, वीडियो बनाते हैं। ओए वहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। आ जा चल, वेट थोड़ी सी जगह बाकी है। ये तो मुझे लग रहा है सूप, ये यहाँ पे क्या भैया डिनर का प्रोग्राम चल रहा है ना? नहीं नहीं वो है पनीर टिक्का, चलो मोमोज भी है यहाँ पे। हाँ पहली बार मैंने शादी में मोमोज देखे, बहुत बढ़िया शादी है, शादी में मोमोज पहली बार देखे मैंने। आप क्या बना रहे हो भैया? क्या बना रहे हो? टोटीला रहा भैया, एक एक लगाना मुझे खाना है, मैं रैप डाइटिंग पे हूँ अभी, टिक्की खा के आइए अभी डाइटिंग पे। चल मुझे खाना है, मोमोज नहीं खाऊंगी, तू खा ले। मोमोज तो मैं भी नहीं खा रही, और भी कुछ देखते हैं ना भैया, मेरे को लगाओ टोटीला रैप, स्प्रिंग रोल खा ले। नहीं मेरे को नहीं खाना, वहाँ देखती क्या जी, वो कल खाया था जो ये कटोरियाँ कल भी खाई, मेरे को मैंने नहीं खानी। अरे मुझे तो ये खाना है, क्या है पाली? पनीर। ये मैम इटालियन चीज फिंगर, इटालियन चीज फिगर, फिगर नहीं फिंगर। पहले जरा तू खा के बता इटालियन वाला कैसा है, बढ़िया लगे तो मेरे को बताइयो। ठीक है चलो भैया तुम भी कुछ खा लो, चलो हम डांस करें। अभी पहले कुछ खा, टोटीला रैप खाऊं, मलाई चौप खाई वहां से मैंने, बहुत टेस्टी थी। अब मैं डाइटिंग पे आ गई हूँ, मैं बटर कम लगाऊ, मैं डाइटिंग से। ये लो मैं सबके लिए एक एक ले आई हूँ, तू टेस्ट करके बता कैसे। मैं टेस्ट से आधा खाऊंगी, मेरे पास जगह नहीं बचेगी पेट में, पूरा खाई बिल्कुल। पनीर ऐसा है, मलाई पनीर है, जो पनीर है तो फिर बहुत टेस्टी, एक एक सबका ले ले। यही खाइयो स्प्रिंग रोल, सड़क पर भी मिलता है, जो नहीं मिलता वो खा। जैसे ये जैसे रैप ये मिलता है सड़क पे, इतना टेस्टी है, मैं देखो दोबारा लेने आई हूँ, लो खाओ बच्चों। इसको छोड़ के ये खा ले, ताकत बना ले शरीर में। फिर कहता हूँ भाभी मोटा नहीं होता मैं। जो मोटा होने की चीज खाया इनको मोटा होगा ये, हाँ लग रहा है मुझे मोटा तो होएगा, इसे तो ताकत आएगी। उसको देख
अल्लाह की स्टॉल पे खड़ी है। आगे पीछे देख ही नहीं रहा, ये कौन घूम रहा है अंकल? कौन था? अरे वो गोल सर पे रख के बाबी की डिश आ रही है, नई डिश आ रही है, महंगे चटनी गिर गई, बाल साफ कर देगी। चल मैं क्यों करूंगी भाभी जी, अच्छा, आधा टूटा मिला है? नहीं पूरा था ना, उसके तीन हिस्से थे, तीन थोड़ी होता, एक ही होता है ना। अच्छा लेकिन हिस्से की पनीर है, मैं खा लिया, तो मैं खा लेती हूं। मेरे को यहाँ पे छुपाया है उसने, कह रही पाए हट जा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं यहाँ छुपी हूँ ताकि मैं देखूँ ना देखू से। भैया कॉफी दे दो, थोड़े पेट में जगह बना, कॉफी पीने खाना आजम हो जाए। हम सबसे ज्यादा सुंदर लग रहे, शादी भी ना हमारे कोई आगे है ना हमारे कोई पीछे है, ये तो बात बिल्कुल सही करी, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सिर्फ हम ही है, बस हम गिर ना जाए इस चीज का ध्यान रखना। तू भी मत गिर जाइयो कभी। तो हमें सूत्रों के हवालों से पता चला है कि हमारी फ्रेंड इधर है, क्योंकि जहाँ पे दुल्हन की सहेलियां वहाँ पे हम, मैंने कहा हम उनके पीछे जा रहे हैं, कभी पता चले वो दुल्हन की जगह बाथरूम का रास्ता हो। रूम तो है पर यहाँ कोई नहीं है, खाली पड़ा है। भवदीप नीचे है क्या? अच्छा ठीक है। हो इसी देश हम उसको ढूंढ रहे थे, थैंक यू। आगे आगे क्या आ गए, सुंदर लगे, बहुत सुंदर नजर ना लगे, आवाज ही निकल रही ना, तीन दिन से बहुत चिल्लाया ना, तो अब समय आ गया घर जाने का, घर छोड़ने का। एकदम सटल मेकअप, बिल्कुल सिंपल बिंदी, माइंड ब्लोइंग, बहुत सुंदर, बड़े सही लग रहे हो। हमारा मेकअप उन्होंने किया जिन्होंने आपका आपका एंगेजमेंट पे मेकअप किया था ना, हमने उन्हें बुलाया था। इंदर कौर? हाँ इंदर कौर ने मेकअप करा है, जिनके फंक्शन में गए थे मैंने, भवदीप हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है वो। अच्छा ज्वेलरी भी भवदीप ने बिल्कुल डिफरेंट ली है, जिनको ब्राइड्स नहीं है ऐसी नहीं लेती, नहीं नहीं बहुत सुंदर लग रही है। मैंने आज ही बात की थी, मैंने क्या आप किस कहाँ बोला था मैंने, हाँ कि हमारी कोई वीडियो बन रही थी तो इसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं ब्राइड पे पर्पल पहनूंगी। हाँ मैंने कहा मैं ग्रीन पे ना पर्पल कलर का सेट पहनूंगी, पाल के क्यों, मैंने कहा ब्राइड्स आजकल जूते पहनती है, दिखाना दोबारा शूज, तो हमारी ब्राइड ने शूज पहने, देखो आपने ना ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिन्हें कम्फर्टेबल रहोगे ना मजेदार, मतलब की ना एक चीज बोलने लायक है बिल्कुल की ना, हर ब्राइड जो होती है ना मैरून रेड गोल्ड कॉपर सब होते, बट पर्पल की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट और सुंदर लग रहा है ना भाई पर्पल। अच्छा हमारा भी पर्पल लहंगा है जो बात शादी है, तो वेडिंग में है ना। हाँ हमारी वेडिंग में है, तो भाई बारात आ गई, काम करते जीजू से मिल के आते हैं, जीजू को सस्टाकल करके आते हैं कि हम उनकी साली है। चलो आगे बराती पीछे बैंड बाजा, आई दूल्हे राजा गोरी है अपने रूम में, उनको लेके आते हैं। तो भाई यहाँ पे बारात आ चुकी है और बारात का हो रहा है स्वागत धूमधाम से, तो हम भी करते हैं स्वागत। तो गाइस बग्गी पे चढ़ गई थी, बड़ी मुश्किल से चढ़ाया मैंने गोलू को, मैंने कहा चल यार बड़ी मुश्किल से चढ़ी मैं तो बग्गी पे, भाई दूल्हे की हिम्मत है हाँ। हमारे बस की नहीं है, मैं घोड़ा घोड़ा का भाग ना जाए, आप भी नीचे आके आपकी गुड़िया से बात करती हूँ, रुको जी तो पेड़ में जगह होगी, तो चलते हैं फिर से, आप खाना खाते हैं फिर दुल्हन से मिलते हैं और फिर चलते हैं घर, क्योंकि बच्चे भी है घर पे। पाल कब से बोल रही है खाना खाते खाना, मैंने कहा खाना खाते हैं घर चलते हैं बच्चे भी देखने हैं, कह रही ऐसे नहीं होता, देख प्लेटें वो लगी हुई है, कह रही प्लेटें लगती है फिर खाना खाते हैं, वो लगी हुई प्लेटें नहीं कर रहा पायल, ये कोई नहीं कर रहा, हमको जाना है ना, हम तो कर सकते हैं। एक काम कर तुम पहले ना पूछ के आओ, क्या पूछना है, क्या डिनर ही का फंड है भैया, डिनर लग गया, सुना ही नहीं मैंने पूछा था, सब आ गया खाना खाने, चलो खाएंगे, चलो प्लेटे उस साइड है, फिर प्लेटे उतर देखते हैं ना क्या क्या, ये तो देखें पहले, वहाँ से देखते चलेंगे ना, की बार में यहाँ से ऐसे घूमेंगे ना, चल भाई पहले देखेंगे फिर खाएंगे, चलो पहले देख तो लो क्या क्या है, पहले देखो, देखने से अगर कोई कुछ कहता है मैम खाओगे तो प्लेट उठाओ ना, ये देखो लाइव आइसक्रीम फ्रेश, पर खाना खाने के बाद मीठा होता है, पहले खाना खाते हैं। पायल मैंने जिंदगी के अंदर ये चीज नहीं देखी, मिर्ची हलवा पायल कैसे होता है, देख लूं, खाऊंगी नहीं भैया अभी देखने दो, इसमें मिर्ची है, ये मिर्ची वाला हलवा है, भैया शिमला मिर्ची में है हलवा, सिर्फ मिर्च है इसके अंदर, इसे पागल बना रहे हो, शिमला मिर्च है ना ये रीना, देख ये शिमला मिर्च दिख रही है, शिमला मिर्च है, बॉय और क्या बात है, पहली बार सुनना है, वेरी नाइस, बादाम हलवा तो मेरा फेवरेट है, खाऊंगी मैं हलवा, देखो मूंग दाल तरीके का खाने पर हलवा, बादाम हलवा, रोज खीर, चल बादाम हलवा, मूंग दाल हलवा, गाजर हलवा, भैया ये दोनों पन्नी में पैक, भैया ये पन्नी में पैक कर देना, ठीक है ठीक है, हम जाते ले लेंगे, रबड़ी है, बारीक जलेबी लिखी थी, ये रही बारीक जलेबी, इमरती है, इमरती और ये साथ में बारीक जलेबी है, ये सब अभी बता देना ना, जब बता देना, हाँ पैक कर दोगे, पैक कर दोगे ना, नहीं सच बोल, आपके साथ ही थे, आपके पास ही थे, अच्छा कौन सी वाली कोठी में, अरे उधर ही, कहाँ, तो पागल ही अभी, याद नहीं आ रहा, देख मुझे नहीं पता कौन सी कोठी, मैंने उसने बोला तो मान जाओ, एक तो भर के तो दे रहा है पन्नी में, कौन सी तीन दे की कोठी, सब जगह फूल खोल गई, देख देख खाकर नूडल्स भी है, ये खाएंगे नहीं, ये नहीं खाएंगे, नूडल्स नहीं खाएंगे, खाना लग गया, पैक कर दे, खा सकते हैं,
भैया कह रहे हैं अभी 10-15 मिनट रुको, बाद में कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, मजाक कर रहे थे। मम्मी थोड़ी खाना तो पढ़ने आए थे, क्या क्या कहाँ कहाँ पे मिक्स मैच। और पॉइल यार मुझे बड़ी एक चीज लगी, हलवा। सुन, 100 तरीके का हलवे। तो गाइस मजाक नहीं कर रहे थे, हम यहाँ से पन्नी में बंधवा के ले जाएंगे हलवा, ठीक है। हमारे घर पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको खिलाएंगे, जैसे शांति आंटी, बच्चों वाली और हमारा वो दीपक, सबके लिए हम पैक करा के ले जाएंगे यहाँ से। खाना कितनी देर में लगेगा? खाना लग गया जी। लग गया तो पहली प्लेट हमारे हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम अंदर आए। फिर वो बता देंगे, ठीक है। हम यही लाइन में खड़े हैं। कौन सी लाइन में? पहले आगे तू, पीछे मैं। होगी दो की लाइन। क्या हुआ बच्चों? मैं अभी भैया को बोल रही ऐसे आ रही हूँ, पैक करके रखना। ये कह रही पन्नी लेके आते हैं, चल। पाल मैं तुझे एक सच्ची घटना बताऊं? हाँ, मेरा सत्य पे आधारित है। सत्य पे आधारित है, पूरी 100%। ये एक सत्य भूमि है। सत्य पे सत्य गप गप थी। सुनना सही, तेको पता है जब ना मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मेरा ना पता नहीं बीच में ना मन किया था कि मैं बादाम का हलवा खाने का। तूने कभी सुना बादाम का हलवा? भुगतेरी माता रानी के भगवान जी की उन साई राम को हमारे जादू को खिलाएंगे, क्या पता उसका मन था खाने का, पेट पता नहीं। पाल मेरा बड़ा मन था, जो मैं कटोरी भर के खाऊंगी, मैं भी कटोरी भर के खाऊंगी। इधर इधर ये रहा, ये साल हुआ है मुझे अच्छा लगेगा तो और लूंगी, ठीक है। मैम आपकी प्लेट रखी है निकाल के पहले। सबसे पहली प्लेट हमारी रखी है, गोलू हमारी प्लेट सबसे पहले रखी हुई है, ठीक है, वही खाएंगे। दिस इज नाइस, दिस इज द गाजर का हलवा, इज टू गुड, दिस वन इज पैकिंग। दो प्लेट होगी, ज्यादा प्लेट अच्छा नहीं लगता ना वेस्ट करना किसी की, किसी की शादी में वेस्ट। तो एक काम करियो, अलग सब्जी तू ढुलवाई, अलग बनोगी हम, जैसे 5 सब्जी तू 5 में। इतना तो खाएंगे नहीं यार, थोड़ी 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 नहीं, एक ही प्लेट लेंगे, थोड़ी 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 सारी खा लेंगे, बाकी तुम ले लेना जो बच्चे जो बच्चे का तुम खा लेना। चलो ए, मेरे साथी तो वो अंकल तो पता नहीं कहां, जो कह रहे थे पहली प्लेट तुम्हारी है। सुन तो ले, तो गाइस कमेंट करके मत बताना, ये कमेंट करके मत बोलना ऐसा कि हमें लग रहा है ब्लॉग सिर्फ खाने का है, क्योंकि हाँ ये ब्लॉग सिर्फ खाने के लिए आए हो। हमने सिर्फ हमने शादी में आए हम खाने के लिए। एक इसकी प्लेट दी है तेरे को, आप तो मिर्ची खाओगे, आपके लिए मिर्ची लेनी पड़ेगी। अभी लेती हूँ, पहली मिर्ची खाती हूँ, थोड़ा लिटिल बिट अनियन, दिस वन 1 चिली 2 चिली 3 चिली 8 चिली, बाद में चिली चिली लिटिल बिट अनियन। ये थी हमारी पहली प्लेट, ये लो, ये रख इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बार उठ लेंगे। हमने सोचा भैया बंदी कहाँ गई, हमारी पहली प्लेट निकाल के मैं इसको घर लेके जाऊंगा। हाँ जरूर, क्यों हमारी पहली प्लेट है, हमारी डिंगरा कैटर के नाम से है जी, ठीक है। तो मैं रोज इनका प्रमोशन मजाक कर रही हूँ गाइस, नहीं ले रहूंगी। आई राजमा नहीं गोलू, राजमा वो वाले अच्छे लगते हैं, आ जाओगे? तो गाइस मैं कोई भी प्लेट घर लेके नहीं जा रही, कभी केटरिंग वाले बोले मेरी प्लेट गायब है, मैं बिल्कुल भी कोई प्लेट लेके नहीं। और जब हम जाए ना हमारा हाथ चेक कर लेना, खाए हम आए हम भरे हुए हाथों से जाएंगे खाली। ये रोटी है, ये वाली रोटी ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट कोफ्ता खाएगी। मैंने कहा नहीं तू खा अपनी प्लेट में डाल, आई मैं चना खाऊंगी, चना देखियो मैं नहीं खाऊंगी चना। हट, पंजाबी कढ़ी, पंजाबी मक्की की रोटी, सरसों का साग, पंजाबी रोटी, आई हैव मक्के की रोटी, देन आई विल टेक सम साग, यस कम हियर, गिव ऐड सम साग हियर, लिटिल साग, लिटिल साग, लिटिल बिट ने मैंने ड्राई फ्रूट का ये लिया ना, इसका टेस्ट जो है वो मीठा है। मैंने बोला गोलू ये तो मीठा है, कह रही पता है, मैंने कहा तूने खाई कभी? कह रही मैंने तो कभी नहीं खाई, लग रहा था मैंने खाई होगी। तो आपको काफी दिन से हम बोल रहे थे ना कि हमारी भवदीप के साथ एक और फ्रेंड बनी है जो की बहुत ही ज्यादा करीब है, और इनको हम बार बार कॉल करके कन्फर्म करते हैं कब आने कब नहीं आना, तो ये वो है अनन्या। तो अनन्या ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया, भवदीप की बेस्ट फ्रेंड है अनन्या, और भी 2-3 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे नहीं है अभी,
तो सच में अनन्या को दिल से थैंक यू कि आपने पहली बार में हमें अपना फ्रेंड्स बनाया और हमारी इतनी केयर करी। नहीं, और मुझे भी आई वुड रियली लाइक टू से दैट कि आप लोगों से मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम कैमरा पे देखते हैं बहुत डिफरेंट है, तो आपसे इन पर्सन मिलके मुझे बहुत अच्छी वाइब आई, स्पेशली आपसे, क्योंकि शी इज वेरी स्वीट, सच में गोलू है ये। और आप जिसमें से दोनों बहुत सुनते हैं, यू हैव लॉस्ट सो मच वेट, मुझे ये बता दो हाउ। डाइटिंग बहुत इजी है, अगर आप अपने जबान पे कंट्रोल लगा लोगे तो। बहुत मुश्किल है, वही सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है ये, सही बात है, बट यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि कौन कहेगा ये मम्मी है, कैन यू गाइस सी, मतलब ये तो मुझे कॉलेज गोइंग लगती है, और कोई नहीं कह सकता कि चिकू इनका बेटा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, चलो जल्दी मिलते हैं दोबारा। हाँ, हमारा ये दिल्ली रहते हैं और हमारा दिल्ली आना जाना लगा रहेगा, तो जैसे दिल्ली आते हैं आपसे मिलते हैं। आप जब भी दिल्ली आओगे तो हम लोग साथ में मिलेंगे, आपकी बहन, आपकी बहन, तो हम जरूर मिलेंगे, मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगी। ठीक है जी, तो गाइस हम जा रहे हैं भक्ति के हस्बैंड के पास जीजू से मिलने, आपके साथ ले लेंगे, बैठ के ले लेते हैं, अच्छे लग रहे बहुत। उन्होंने पहचान लिया हमें, हमने कहा मैचिंग मैचिंग, हमने कहा आपने पहचाना, मैं कह रहे हाँ हाँ पहचान लिया, आई ना कह रहे हाँ मैंने चीकू को बताया था, आए नहीं आप, शादी है, शादी है वही आओगे, ठीक है, लुधियाना लुधियाना मिलने चलेंगे, गुरुद्वारा साहिब आएंगे, ठीक है जी, आपको आने, चलो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं बस, ठीक है। तो अभी ना बहुत सारे लोग हमारे फोटो क्लिक करने गए थे, भैया फोटो क्लिक करने के लिए, भाभी आपकी ना आंखें बंद आ गई, तो मैं ऐसे फोटो खिंचवाई, देख 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 क्या नॉर्मल रखो भाभी, गिर में जाइए तू भाई, चलो भैया घर चलते हैं, हमारे को फोन आ गया चिक्की पापा का, चिक्की माशाल्लाह लग रहे हो दोनों, घर आ जाओ, घर काला टिक्का लगा के नहीं गए, नजर नजर लग जाएगी तुझे, और मेरा क्या होगा, मेरी हूँ ही पहुँचे, तो हम जा रहे हैं घर, तेरी खाना खा के जाना, भाभी भाभी जा रही है जीजू से मिलने, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, और होना भी चाहिए, इस टाइम का वेट ही काफी दिन से कर रही है, अपनी शादी में इस दुल्हन ने बहुत एंजॉय किया, इस दिन का वेट हर एक दुल्हन करती है, तो भाई बहुत स्पेशल मोमेंट है ये, और ऑल द बेस्ट, फैमिली ने जो धमाल किया ना शादी में, सच में फैमिली हो तो ऐसी हो, और इनकी फैमिली इतनी बड़ी है, ये चार परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी ना पहल, कि इनके घर में जो फंक्शन एंजॉय कर रहे थे ना, मुझे शादी से ज्यादा मजा फंक्शन में आया, तुझे, मुझे भी, मुझे शादी में तो मजा आया, बट सबसे ज्यादा मजा फंक्शन में आया। पहले बोल दिया जो तुम्हारी शादी में हम आएंगे, नाइस मीटिंग यू, सेम हियर, ओके बाय बाय, सी यू सून, बाय, आपकी शादी में आएंगे, अनन्या की शादी में मिलते हैं सारे, तो अनन्या अनन्या के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो और कोई भी ऐसा लड़का हो अनन्या अनन्या जैसा चाहती है, तो हमें कॉन्टेक्ट कर लो, चलो बाय जी, ओके अंकल, सेम हियर, ओके जी बाय बाय, ये रहा हमारा, तो वासवी है, हां चलो तुम लोग ध्यान से जाना। तो बस गाइस बहुत ज्यादा थकान हो गई है, इतनी ज्यादा कमर दर्द हो रही है ना, इतना लहंगा हैवी पहन के कमर पे लटका के, और बस इस व्लॉग को ये एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने आरान जी की स्नैपचैट आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया जल्दी जाके फॉलो कर लो, यहाँ पे आ रही है, और क्योंकि डेली अपडेट्स आपको वहीं मिलेगी, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खाओ पियो करो, बाय बाय।